अस्सलाम वालेकुम, ये है मेरी 13 प्लेस वॉश डिशवॉशर और इसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। ये देखिए, इसमें धोने के लिए मैंने यहाँ बर्तन रख रखे हैं। यूँ नॉर्मली मैं थोड़े थोड़े होते हैं तो उन्हें जमा देती हूँ, लेकिन अभी मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैंने पूरे रख रखे हैं। चलो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है। इसका जो डोर है ये सामने से ओपन होता है। इसमें दो ट्रॉली दे रखी हैं, एक ये ऊपर की और एक नीचे की। इसमें आप यहाँ पे पूरे चम्मच वगैरह रख सकते हैं, छोटी कटोरी रख सकते हैं, साइड में कप रख सकते हैं, यहाँ प्लेट सेंगे, यहाँ पे गिलास जमा सकते हैं। अभी मैं आपको सब जमा के दिखाती हूँ। और ये जो है ये फोल्डेबल है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड हो जाते हैं, आपको यहाँ पे जो भी रखना है आप रख सकते हो। ये भी फोल्ड कर सकते हो आप इसको भी। ये बाकी ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। और एक है, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं ये। और देखिए इस तरह से ये इसमें लगी होती हैं, तो वापस से इजीली लग भी जाती हैं। ये जो है आप इसको यहाँ भी रख लगा सकते हैं। ये तीनों इसमें दे रखे हैं, इसमें से किसी में भी लगा सकते हैं, इसका साइज छोटा बड़ा। और ये इसका नीचे वाली ट्रॉली है, तो जिसमें इसमें भी ये दे रखा है। इस तरह से इसको आप निकाल सकते हो। आपको इस तरह से रखना है या फिर आपके ज़्यादा बड़े बर्तन हैं तो आप इसको नीचे कर सकते हो और आसानी से इस पर बर्तन जमा सकते हो। आप यहाँ पर बड़े बर्तन भी जमा सकते हैं और यहाँ पे प्लेट वगैरह जमा सकते हैं। मैं आपको जमा के अभी दिखाऊंगी। और यहाँ पे है ये डिटर्जेंट डालने का। इसका डिटर्जेंट मतलब हमारा कुछ अलग आता हैगा जो इसके लिए ही बना होता हैगा। और यहाँ पे रिंस डाला जाता हैगा जो कि 8 दिन में एक बार डालते हैं इसको। और यहाँ डिटर्जेंट डालते हैं। और यहाँ पे ये दे रखे हैं, इसका अंदर का फिल्टर रहता है। ये इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। इसको अपने को साफ करना रहता है, 2-3 दिन में साफ कर लो इसको। ये इसको लगाने के लिए एरो से एरो मिलाना होता है तो ये पूरा फिक्स हो जाता है। इसमें सॉल्ट डलता है, इसको ऐसे खोलेंगे तो निकल जाएगा। ये देखें, ये सॉल्ट है इसमें डला हुआ है जो कि अभी, और फिर वापस इसको ऐसे लगा देंगे। ये देखिए, सब प्लेट होनो गंदी हैं, इसमें जमा रही हूँ। ये देखिए इसमें कितना तेल है, ये सब अच्छे से वॉश करें। इन्हें हम यहाँ जमा सकते हैं। ये जो ग्लास हैं उनको यहाँ जमा सकते हैं, यहाँ आसानी से जम जाएंगे। इस तरह से जमाएंगे तो दोनों साइड जमेंगे ऐसे, एक इधर और एक इधर। इस तरह से अच्छे से जम जाएंगे दोनों साइड। ये देखिए कप होनो, ये गंदे हैं पूरे। इसे भी मैं इसमें जमा रही हूँ। ये तपेली ऑन है। ये थाली, और ये ऊपर हमने जमा दिए चम्मच ने, ये सब बर्तन नीचे बैठ लूँ। इसमें हम डिटर्जेंट डाल रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा डिटर्जेंट लगता है इसमें। ये एक चम्मच डालने के बाद थोड़ा सा मैं और लूँगी, बस ये इतना डिटर्जेंट। लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और बहुत ज़्यादा स्पेस घेरती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका साइज एक वॉशिंग मशीन के जितना ही होता है, बस इसे आगे से थोड़ी स्पेस चाहिए होती है ताकि इसका गेट ओपन हो सके, बाकी ये कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। ये स्टैंड हमने मार्केट से ख़रीदा है, इसकी प्राइस है 500 रुपये। और इसमें ये पहिए दे रखे हैं और ये लाख लगा हुआ है जिससे ये ज़मीन से चिपक जाता है, जिससे डिशवॉशर आगे पीछे नहीं होती है। ये इसको अगर अपन ऊपर करेंगे तो इसको आगे पीछे खसकाने में आसानी होगी। ये देखो इस तरह से ये ऊपर हो जाता है और इसको आगे पीछे खसका सकते हो आप आसानी से। और वापस इसको अपन ऐसे नीचे घुमा देंगे तो ये पूरा लाख हो जाएगा और ज़मीन से चिपक जाएगा।
तो जिससे आपकी डिशवॉशर बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। ये हमने कंपनी में पूछा था तो इसका प्राइस 4000 था और यही हमने मार्केट से सिर्फ 500 रुपये में लिया है और इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। ये हमने यहाँ पे नल का कनेक्शन इस तरह से कराया है, ऊपर से यहाँ से लेके थोड़ा सा इस तरह से कनेक्शन कराया है, क्योंकि हमारे यहाँ रखने की प्रॉब्लम थी इसलिए हमने इसे किचन के पास में ही रखा है, इसलिए हमें अलग से कनेक्शन कराना पड़ा। ये देखिए यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ से ये पानी इसमें जाता है मशीन के अंदर और यहाँ नीचे जो पाइप दे रखा है इससे पानी बाहर निकलता है। यहाँ पे हमने छेद करवाया है, पाइप को डाला है जिससे पानी बाहर निकल सके। ये हमने यहाँ पे बोर्ड लगवाया है ताकि इसका ये पिन लग जाए। इन जो ये जर्मन की तपेली है इसको मैं हाथ से धोऊंगी क्योंकि ये काली हो जाती है, इसलिए उसमें डालने से कोई मतलब नहीं है। इसको शुरू में धोया था तो ये अच्छी वॉश हुई लेकिन बाद में फिर ये धीरे धीरे काली होने लगी। और ये जो है इसके रबड़ वगैरह ढीले हो जाते हैं मिक्सर के जार के, तो इसलिए इन्हें भी उसमें नहीं डालना है आपको। और ये जो कुकर का ढक्कन है इसका भी जो रिंग है वो भी ढीला हो जाता है, तो इसलिए इसे भी आप डिशवॉशर में ना ही डालें। इसमें अगर हम बिजली की बात करें तो बिजली इसमें ये पर साइकिल 1 यूनिट यूज़ करता है, और अगर हम पानी की बात करें तो पानी इसमें 12 लीटर के करीब ये यूज़ करता है। अगर बर्तन अपन हाथ से धोते हैं तो उसमें डिशवॉशर के मुकाबले पानी डबल यूज़ होता है। अगर आपको डिशवॉशर चालू आपने कर दी है और अगर कोई से बर्तन की ज़रूरत पड़ गई है इजीली ऑफ़ कर देंगे, और ऑफ़ करने के बाद आप इसको खोल सकते हैं और आपको जो भी ये देख लीजिए इसमें से कितनी स्टीम निकल रही है, इसमें देखिए इसमें से कितनी स्टीम निकल रही है, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा गर्म पानी है। और ये आपको अगर मान लो जो भी बर्तन चाहिए आप निकाल लीजिए और उसके बाद इसको आप वापस लगा दीजिए और इसको वापस से आप ऑन करेंगे तो ये वहीं से स्टार्ट हो जाएगी जहाँ से आपने इसको बंद कर दी। ये दोबारा से शुरू से इसका काम नहीं शुरू करेगी, जहाँ से आपने इसको रोका था वहीं से वापस स्टार्ट हो जाएगी। और बाय चांस अगर बिजली चली भी जाती है तो भी ये वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से ये रुकी थी, दोबारा से ये स्टार्ट नहीं होगी शुरू से, मतलब ये अपने प्रोसेस शुरू नहीं करेगी, जहाँ से ये रुकी थी वहीं से वापस स्टार्ट होगी। ये हमारा 1.5 घंटा पूरा हो चुका है, अब हम इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए इसमें से कितनी स्टीम निकल रही है। और ये बर्तन, ये जो कप वगैरह मैंने आपको दिखाए थे सब बहुत ही अच्छे से क्लीन हुए हैं, ये गिलास वगैरह बहुत ही गर्म भी हैं ये, और ये नीचे वाली ट्रॉली है इसमें ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है, ये थाली बिल्कुल अच्छे से साफ हो गई है, ये तपेली हो ना जो चाय की थी ये भी अच्छे से क्लीन हो गई है, ये वाली भी। क्या थोड़ा पानी भर जाता है ऐसे, ये कुकर है ये भी अच्छे से क्लीन हो गया है, और बाकी तो ये प्लेट वगैरह तो सब क्लीन है ही सही बढ़िया। ये बोस कंपनी का ही सॉल्ट है जो महीने में एक बार डलता है, और इसका काम होता हैगा जो अपना पानी होता है उस पानी को हार्डनेस को कम करने का काम होता है इसका सॉल्ट का, और महीने में एक बार इसे डाला जाता है। ये रिंस है जिसे 8 दिन में एक बार डाला जाता है, ये बर्तन होने में साइन का काम करता है, इससे बर्तन में चमक आती है। और ये डिटर्जेंट है तो इसको तो आप जब भी बर्तन धोएंगे जब आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये सॉल्ट 120 का है, 250 रुपये की है ये, 250। और ये डिटर्जेंट ये 400 रुपये का है। ये बोस कंपनी का ही कवर है जो हमने कंपनी से ही लिया था, इसकी प्राइस 800 रुपये है और ये बहुत ही अच्छा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।